अयाज ने अपना एक फ्लैट माहीन के नाम कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों करना चाहते हैं? कौन सा रिश्ता है उनका माहीन के साथ जो वो इतने मेहरबान हो रहे हैं उस पर? क्योंकि तुम दोनों अयाज की बेटियां हो। तुम्हारा बाप और कोई नहीं, तुम्हारे अयाज चाचू। यही हकीकत है बेटा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लोगों को तुम्हारे बाप के बारे में मुझे इस तरह से बताना पड़ेगा। और आप ये सब अब बता रहे हैं? अगर ऐसा ही था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप तो उनसे मिल चुकी थी, ये सब क्या है? मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के बारे में कभी नहीं बताना चाहती थी। और क्यों बताती एक ऐसे शख्स के बारे में जो तुम्हें और मुझे बेकसूर होने के बावजूद सारी जिंदगी के लिए इस तरह अकेला छोड़ गया हो। कुछ भी था वो हमारे बाप है, आपको हमें बताना चाहिए था। ये जानना हमारा फर्ज है, हमारा हक है। आपने हमें ये बात ना बताकर अपने साथ और हमारे साथ ज्यादती की है। अब तुम मेरे साथ सवाल जवाब करोगी। काश ये सवाल जवाब मैंने आपसे बहुत पहले कर लिए होते तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। ना आप और अयाज चाचू इस तरह मिलते और ना कभी हमें हकीकत पता चलती। मेरे दिल में कोई जोड़ नहीं था हेमन, कोई जोड़ नहीं था। मैं तुम्हें सब कुछ बता देती, लेकिन मैं मुनासिब वक्त के इंतजार में थी बेटा। मुझे अब किसी पे कोई एतबार नहीं है। मैं तो समझती थी कि मैं आपकी बेटी से पहले आपकी दोस्त हूँ। आप तो मुझसे हर बात शेयर करती थी और आपने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मुझसे छुपाया। एक बार मुझे बता के तो देखती, मगर नहीं। हिम्मत, बात तो सुनो। क्या सुनो अम्मी? जो कुछ अभी सुन लिया है उस पे यकीन करना भी बहुत मुश्किल है। हाँ वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस अयाज बात कर रही हूँ। अयाज से बात हो सकती है? जी मैडम। सर तो आज जल्दी चले गए ऑफिस से। जल्दी चले गए थे? कुछ बता कर गए? कहाँ गए? जी नहीं। अच्छा वो क्या अक्सर इस तरह जल्दी निकल जाते हैं ऑफिस से? जी अक्सर तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऑफिस से वो जल्दी चले जाते हैं। ओह ओके ठीक है। आखिर ये गए कहाँ? मैं तो ये समझ रही थी कि ऑफिस में कोई मीटिंग में बिजी होंगे, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे। ना तो कोई मामला ही और है। कॉल क्यों नहीं पिक करी है? पता नहीं अम्मी और हेमन आपके बीच में क्या बातें चल रही होंगी, मुझे तो कोई बताएगा ही नहीं, खुद मालूम करना पड़ेगा। हेलो हेलो, माहीन हेमन कहाँ है? मैं काफी देर से उसे फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? एमन आपकी अम्मी के पास है। अयान भाई आपको क्या पता हमारे घर में कितनी टेंशन चल रही है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है अयान भाई, और सबकी वजह हमारी प्यारी अम्मी है। माहीन क्या बोल रही हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बात ही ऐसी है अयान भाई, आपको पता है हमारी अम्मी और अयाज। हेलो हेलो माहीन, हेलो तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रही थी? मैं कुछ गलत नहीं करने जा रही थी आप ही, अयान भाई को आज नहीं तो कल तो पता चलना ही है ना। अम्मी और अयाज चाचू के बारे में कोई ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं है, वैसे भी फजूल बातें मत करो। अम्मी से बात की है आपने? क्या कहा उन्होंने? ऐसा कुछ नहीं, अम्मी ने कहा और आपने मान भी लिया है ना? मैंने अम्मी से मालूम किया है, वो तो इत्तेफाक से उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो अयाज चाचू उनको यहाँ ले आए थे। चले मान लिया, सिर्फ आज ही हुआ ऐसा, और उससे पहले जो अम्मी ने। माहीन प्लीज, मेरे सर में ऑलरेडी बहुत दर्द है, जोर बातें मत कर। आप कब आए? अभी कुछ देर पहले। कहाँ से आ रहे हैं आप? ऑफिस से ही आ रहा हूँ, और कहाँ जाना मैंने? ऑफिस से तो नहीं आ रहे आप, मैंने आपके ऑफिस फोन किया था, आपके पीए ने बताया आप बहुत देर पहले निकल चुके। अयाज आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं सानिया? ऑफिस से मैं कहीं और चला गया था, अब हर बात तो तुम्हें नहीं बताऊंगा ना मैं। हाँ तो यही तो पूछ रही हूँ कि कहाँ से आ रहे हैं? शक कर रही हो मुझ पे? आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं तो साफ साफ बता दे, इसमें है क्या? आहिस्ता बोलो, यहाँ इस घर में तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं, क्या सोचेंगे वो? और प्लीज मेरी जासूसी बंद कर दो। सारी जिंदगी मैंने तुमसे पूछ पूछ के सांसें ली हैं, अब अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। तो मुझ पर एहसान किया है क्या? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्या बात है अयाज? आप मुझे बताएं, आप बताते हैं या फिर? नहीं बता रहा मैं कुछ, तुम्हें शक करना है शौक से करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी बीवी हूँ, आप कहाँ जाते हैं क्या करते हैं ये सबको जानना मेरा हक है। तो फिर बीवियां शौहरों पर शक नहीं करती, उनकी जासूसी नहीं करती। तुमने जो कुछ मालूम करना है, जहां से मालूम करना है, बड़े शौक से जाके करो। अयाज तुम्हारा बाप और कोई नहीं, तुम्हारे अयाज चाचू। यही हकीकत है बेटा। हेलो एमन। हेलो जी अयाज, कहाँ हो यार? पहले तुम फोन ही रिसीव कर रही थी, उसके बाद तुम्हारा फोन ऑफ जा रहा था। वो मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, अभी चार्ज किया है। अच्छा मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। हेलो हेमन कहाँ हो? हेलो जी सुन रही हूँ, वो आज मैं यहीं रुक जाऊं, कल आ जाऊंगी। हेमंत सब ठीक तो है ना? हाँ बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सोच रही थी आज रेस्ट कर लूं। क्या हुआ तुम्हें? तुम कहो तो मैं आ जाऊं अभी किसी हॉस्पिटल? नहीं हॉस्पिटल नहीं, बस मेरे सर में थोड़ा दर्द था, आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ओके ठीक। हाँ तुम्हारे घर में कोई बात हुई है क्या? नहीं। वैसे माहीन किसी टेंशन के बारे में बता रही थी, जैनब आंटी के मुतालिक कोई? हाँ यार माहीन तो पागल है, बस अम्मी की जरा सी हंसी बात का बुरा मान जाती है। एमन मैं सच बताऊं, तुम्हारी आवाज मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। तो हाँ शाम से फ्लू हो रहा है शायद, इसलिए आवाज ऐसी लग रही होगी। अच्छा यार मैं थोड़ा आराम कर लूं प्लीज, बाद में बात करूंगी। बाय। सानिया वो आपके और अयाज के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ था क्या? क्यों भाभी आपसे अयाज ने कुछ कहा? नहीं अयाज से तो मेरी आज बात ही नहीं हुई है। वो एक्चुअली आप लोग बहुत ऊंची आवाज में झगड़ा कर रहे थे ना, तो आवाज कमरे से बाहर आ रही थी। खैर मैं तो बहुत आराम से बात कर रही थी, लेकिन आपके देवर ही बात बात पर आजकल उखड़ जाते हैं। लगता है अब तो उनको मेरी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। सानिया आप दोनों समझदार हैं माशाल्लाह, अब इस उम्र में इतनी जरा जरा सी बातों पर लड़ना मुनासिब नहीं लगता। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की अच्छाई के साथ साथ बुराई को भी बर्दाश्त करने में। भाभी आप मुझे क्यों लेक्चर दे रही? ये लेक्चर आपको अपने देवर को देना चाहिए। कुर्बानी हमेशा औरत को देनी पड़ती है, औरत ही रिश्तों को लेकर चलती है तो घर बनता है, यही समझदारी है। माफ कीजिएगा भाभी, ये मेरा और अयाज का पर्सनल मामला है और मैं किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करती हूँ। I'm sorry, आप मेरी बात समझी नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी। चाची जान ये आपके स्टोन में मामा से बात कर रही हैं। मैंने तुम्हारी मामा से कुछ ऐसा नहीं कहा। आपकी बात भी उतनी ही गलत है जितनी आपकी टोन। शाहजेब आप जाएं, क्या हो गया आपको? मगर मामा। शाहजेब प्लीज मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप चुप कर जाएं और जाएं यहाँ से। रहने दे भाभी, मुझे नहीं पता था कि आपके बच्चे इतने बड़े हो गए कि मुझे समझाएंगे, तो मेरी ये इज्जत रहेगी इस घर में। क्या हुआ हेमन, आप ऐसे क्यों देख रही है मुझे? कुछ नहीं। क्या बात है, शाम से आप मुझे कुछ अजीब सी लग रही है, ऐसे लग रहा है आपको कोई राज पता चल गया। क्या फिजूल बातें कर रही हो, लगता है फिल्में ज्यादा देखनी शुरू कर दी है आजकल तुम। अच्छा मजाक कर रही थी, क्या हो गया आपको? हमारी जिंदगी में कौन सा राज होना है? हमारे अब्बा ने कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ी है जो आपके हाथ किसी खजाने का राज लग जाएगा? क्या हुआ माहीन? अगर तुम्हें पता चले कि माहीन बेटा सारा किचन फैला हुआ है, जाओ जाके किचन साफ करो। आपको पता है ना मुझे घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर मैं बार बार क्यों बोलती है मुझे? तुम्हें तो हर काम बुरा लगता है, जाओ अब। तंग किया हुआ आपने मुझे। हेमन तुम्हारी आंखों में अनगिनत सवाल आते हैं और मैं उन्हें देख सकती हूँ। मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हें बात करनी पड़ेगी। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तो दो। मुझ में अब मजीद कोई सजा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है बेटा। शाहजेब, तुमने मामा से बदतमीजी की है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे तो तुम्हारी मामा बहुत मैनर्स वाली बनती है, तो उन्होंने तुम्हें इतने भी मैनर्स नहीं सिखाए कि बड़ों के साथ किस तरह से बात की जाती है। तुम मुझसे बिलावजह क्यों लड़ रही हो रुच? मैं ऑफिस से थका हुआ है, कम से कम कुछ तो ख्याल करो मेरा। तुम्हें और तुम्हारी मामा को बातों का पतंगड़ बनाने के अलावा कुछ नहीं है। शट अप शाहजेब, तुम मेरी मामा के लिए एक लफ्ज नहीं कहोगे। क्यों? सिर्फ तुम्हें ही हक है कि तुम जब चाहो जिसकी माँ के बारे में जो भी कह दो। बस कर जाओ शाजिद। वैसे भी ताईजान को मामा से बात करते हुए सोचना चाहिए था। उन्हें मामा और बाबा के मसले बोलने के किसने मशवरा दिया था? आहिस्ता आवाज में बात करो। तुम्हें बहुत फिक्र है अपनी इज्जत की। हमारे घर में कोई इस तरह किसी से बात नहीं करता, लेकिन शायद तुम्हें इन चीजों की आदत ही नहीं है। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके घर में क्या होता है। शादी की कमिटमेंट किसी और से और शादी किसी और से। रूज, for God's sake, तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो। नहीं शाहजेब, मैं तो बहुत खुश हूँ इस जबरदस्ती की शादी पे। आप एमन को फोन क्यों करेंगे? और इसमें उसका है भी क्या कसूर? अब जब आपका बेटा ही उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहा है तो उसका दिमाग तो खराब होगा ही ना। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, इस धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। मुझे वाकई नहीं पता कि अयाज ने मेरे साथ इस तरह से क्यों किया। हमारी जिंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही थी, बस एक दिन अचानक ही उन्होंने बगैर वजह बताए मुझे छोड़ दिया। इसीलिए तो मैं पसंद की शादी के खिलाफ थी। तुम्हारे और अयान के बारे में सुनकर एक खौफ ने घेर लिया था मुझे। अम्मी, अयान ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर अयान की रगों में उसी खानदान का खून दौड़ रहा है ना अमन, मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि तकदीर इस तरह अयाज को एक दिन अचानक मेरे सामने लाके खड़ा कर देगी। मैंने तो सोचा था कि शायद अब कभी मेरा सामना अयाज से नहीं होगा, मगर ऐसा ना हुआ। आपने इतनी तकलीफें, इतने दुख अपने दिल में कैद किए रखे। आप मुझे बताती दो कि आपकी बेटी आपको नहीं समझती। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं। एक माँ अपने हिस्से की खुशियाँ अपनी औलाद की गोद में तो डाल सकती है, मगर दुख नहीं। हमें तो वैसे भी तुम्हें और माहीन को बड़ी खुशी नहीं दे सकी थी, तो फिर इतना बड़ा गम कैसे दे देती? अरे अच्छू, कहीं माँ बेटी मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे? किस गेम की बात कर रहे हो रशीद भाई? तुम्हारे साथ इस उम्र में कौन गेम खेलेगा? उम्र से तेरा मतलब क्या है? क्या उम्र लगती तुझे मेरी? तुझसे कोई यही कोई 3-4 साल बड़ा होगा मैं। अच्छा उस्ताद, नाराज क्यों हो रहे हो? उससे तो 3-4 साल छोटे ही लगते होगे तुम। ये की ना तुमने बात है उस्ताद, इसी बात पर चलकर खाना ही खिला दो। चल ठीक है। खुश? अरे रशीद भाई, कुछ परेशान लग रहे हो आज। क्या भाभी से झगड़ा कर कर आए हो? अबे ओ, जानबूझ नहीं हूं मैं जो औरत के जरा से झगड़े को मैं दिल से लगा लूं। जूती के नोक पे रखता हूं ऐसी औरतों को मैं। कुछ तो बात है। हाँ ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ तो है जिसकी मुझसे कोई पर्दादारी है। सिर्फ एक बार रस्सी का सिरा मेरे हाथ में आ जाए, यूं ही खींच लूंगा। अगर क्यों मम्मी, मेरी तरह माहीन का भी ये जानने का हक है कि उसके बाबा कौन है, हम किसकी बेटियां हैं। ये बात तो मैं समझ सकती हूँ ना बेटा, मगर मत भूलो अयाज से तुम्हारा एक रिश्ता और भी है, वो तो तुम्हारे शोहर के चाचू हैं। मामला अब तुम्हारे ससुराल का है। अयाज की बीवी और बेटी को अगर इस हकीकत का पता चल गया ना तो एक हंगामा बर्पा हो जाएगा बेटा। सब एक ना एक दिन तो होना है ना मम्मी। इस बात की नजाकत को मैं और तुम समझ सकते हैं बेटा, मगर माहीन नहीं। मैं नहीं जानती हूँ कि ये हकीकत जानने के बाद वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जज्बात इस लड़की की अकल पर हर वक्त हावी रहते हैं। बस बेटा, जैसे सब चल रहा है वैसे ही चलने को। आज तुम्हें ये सब कुछ बता के मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। हमसे बात करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हो, हम नहीं है क्या? हम गैर हैं। अरे शौहर तुम्हारा, ये क्यों भूल जाती हो? किसी की बीवी भी हो तुम। बच्चियों का तो बड़ा ख्याल रहता तुम्हें, कभी अपने शौहर के बारे में भी सोच लिया करो। वो अंदर आके मेरी बात सुनो जरा। पता नहीं वहां मेरे आने के बाद क्या हुआ होगा। जैनब एमन को कैसे समझाएगी? मुझे जैनब से बात करनी चाहिए। नहीं, इस वक्त मेरा जैनब को कॉल करना ठीक नहीं। फिर क्या करूं? कैसे मालूम करूं? मैं एमन से बात करता हूं। एमन कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? इस वक्त एमन को क्या फोन कर रहे थे? ऐसी कौन सी अहम बात थी? रशीद साहब, मैं आपके पास ही आ रही थी। एमन को सुबह नाश्ते में हलवा पूरी बहुत पसंद है। आप ऐसा कहें, साथ में कुछ अंडे वगैरह भी ले लीजिएगा। मैं सोच रहा था कि 7 किस्म के पकवान ना बनवा लूं। अब मुझे तो ठीक से 2 वक्त की रोटी मिलती नहीं इस घर में। वैसे कहने को तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं होता, हर वक्त रुपए रुपए को रोती रहती हो। और बेटी घर में आई तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ नोट निकल रहे हैं। क्या हो गया है आपको? हम उसके लिए क्या कर देते हैं? उल्टा वो हमारे लिए खर्च करती रहती है। आज इतने दिनों के बाद आकर रुकी है, अगर नाश्ते में थोड़ा उसकी पसंद की चीजें रख दूंगी तो क्या इसमें? बात सुन, अगर एमन कुछ लाके देती है ना तो तेरे हाथ पे लाके रखती है, मुझे कुछ नहीं देती है। तुम दोनों माँ बेटी ऐश करते हो हैं? रशीद साहब आप ये पैसे मुझे दे दीजिए। रशीद साहब मेरी बात तो सुनिए। अम्मी क्या हुआ, क्यों परेशान है? मैं नाश्ता नहीं करूंगी, बस चाय पीऊंगी, आप परेशान ना हो। अयाज की चाय आप उन्हें रूम में ही दे आए। जी भाभी कोई काम मेरे लिए तो मुझे भी उठा देना। अरे नहीं नहीं कोई काम नहीं है, बस अब नाश्ता करते हैं। एमन आ जाए सर। एमन आज? अरे वो तो रात को मैके में ही रुक गई थी, वो वापस कहाँ आई? और मैं तो समझ रही थी कि वो आपसे इजाजत लेकर गई है, उसने आपको बताया तक नहीं? ऐसे कैसे रुक गई? यही तो मैं सोच रही हूँ, और अगर रुकना था तो कम से कम आपसे इजाजत तो ले लेती। इजाजत तो दूर की बात, उसने तो आपको बताने की जहमत तक नहीं की। हद होती है, ये जो अपनी मर्जी से शादियां करती है ना लड़कियां, वो सारे काम अपनी मर्जी के ही करती हैं। मैं भी फोन करके पता करती हूँ। अरे रुके, आप एमन को फोन क्यों करेंगे? और इसमें उसका है भी क्या कसूर? अब जब आपका बेटा ही उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहा है तो उसका दिमाग तो खराब होगा ही ना। अरे भाभी नाश्ता। मामा ये ताई जान को क्या हो गया? आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? इसलिए कि आज मेरा तीर निशाने पर लगा है। कौन सा तीर? आज जो मेरा तीर है ना वो एमन के दिल पर जाकर लगेगा, अब पता चलेगा उसे। बड़ा समझती है ना, इस घर की चहेती बहू है, अब उसे अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। वो मैं माही बेटा अगर इतना तैयार होकर जाना होता है ऑफिस तो कम से कम चादर ही सर पे रख लिया करो। अम्मी मेरी बात सुन ले, सुबह सुबह मुझे कोई शौक नहीं है नसीहतें सुनने का, और सब इसी तरह ही तैयार होके जाते हैं। मुझे पता है एमन भी तैयार होकर जाती थी, लेकिन अगर एमन आप ही ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं की है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उन चीजों पे आप मुझ पे ही पाबंदी लगाएंगी। ऑफिस जा रही हो? ऑफिस से जा रही हूँ और कहाँ जाऊंगी। अब प्लीज अम्मी की तरह मुझे नसीहतें मत करने लग जाइएगा। 5 मिनट बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठो बैठो, 5 मिनट बात करनी है तुमसे। आप भी देखें अगर ज्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो मैं शाम में आके आपसे बात कर लूंगी, मुझे लेट हो रहा है। हमारी जिंदगी में इस बात से ज्यादा अहम और कोई बात नहीं हो सकती। मैं आज हर वो बात तुम्हें बताना चाहती हूँ जो हमारे वजूद से जुड़ी हुई है। अब आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी जब हमें जरूरत होती है तब वो हमारे पास नहीं होते, लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पे वो हमसे दोबारा टकरा जाते हैं। वैसे तो वो हमसे बहुत दूर होते हैं लेकिन उनसे हमारा ताल्लुक बहुत करीबी होता है। माँ बाप बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं आज माही तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या बेटा? देर हो रही है। जा ही रही थी, आप ही ने रोक लिया। तुम तो इससे बाद में भी बात कर सकती हो ना, अभी जाने तो देर हो रही है इसको। जा रही हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ना जाते मुंह तो सीधा कर लो, गुस्से में ही जाएगी आप देखना। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने बड़े हो गए कि अपने फैसले खुद करेंगे। हाँ माँ वो एमन की तबीयत ठीक नहीं थी, वरना वो कल ही आ जाती। एमन की तबीयत ठीक नहीं थी तो क्या हो गया? यहाँ कौन सा उसे काम करने पड़ते हैं, यहाँ भी आराम कर सकती थी वो। माँ ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर उसे वहाँ रुकने की जरूरत क्या थी? आप गलत समझ रही हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आप सब अपनी जगह ठीक है, बस मैं ही गलत हूँ। आई एम सो सॉरी, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मुझे नहीं पता था आप इस तरह नाराज रहेंगी, वरना मैं एमन को कभी भी नहीं रुकने देता। आपको नहीं पता था तो आप मुझसे पूछने की जहमत तो कर सकते थे ना। मेरी इजाजत के बगैर तो आप घर से कदम बाहर नहीं निकालते थे। अब क्या हो गया आपको? मुझे नहीं पता कि एमन की तरबियत उसकी अम्मी ने कैसी की है, लेकिन आपकी तरबियत तो मैंने ऐसी नहीं की थी कि घर के बड़ों को नजरअंदाज कर दें आप। मामा, एमन की इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी ही कोताही है। एमन अपनी मर्जी से रुक गई, ठीक किया उसने, लेकिन अगर मुझसे पूछ लेती तो मैं मना नहीं करती उसे। लेकिन आप सब तो वही करेंगे जो आपकी मर्जी होगी। माँ, ये बात नहीं है। प्लीज मामा, मेरी बात तो सुने प्लीज। अरे काम का इतना गुस्सा हो रही है एमन पे। अरे अगर वो बेचारी एक दिन के लिए रह भी गई तो इसमें कयामत कौन सी आ गई? नहीं, वो एक्चुअली मामा को ये बात बुरी लगी है कि एमन ने उनसे परमिशन नहीं ली। अरे तो क्या हो गया, एक दिन के लिए तो रुकिए, कौन सा एक हफ्ते के लिए गई है जो इजाजत ले। अच्छा तुम परेशान हो, मैं भाभी से बात कर लूंगी, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, जाओ ऑफिस जाओ। आपने हमारे बाबा के बारे में माहीन को बताने से मुझे रोक क्यों दिया? माहीन को तुम अच्छी तरह जानती हो, मुझे लगता है कि उसको बताने से हमारी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जिस तूफान को मैंने इतने अरसे से रोका हुआ था, मैं नहीं चाहती हूँ कि अब मुझे उसका सामना करना पड़े। मगर माहीन को बताना भी तो जरूरी है ना, उसे पता होना चाहिए कि हमारे बाबा कौन है। नहीं बेटा नहीं, तुम माहीन को अच्छी तरह से जानती हो ना, वो अयाज के पास यानी तुम्हारे ससुराल पहुंच जाएगी। अब ये मामला तुम्हारे ससुराल से जुड़ा हुआ है और बस इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी तमाशा खड़ा हो। अगर हम ये बात माहीन से कब तक छुपाएंगे? एक ना एक दिन तो अल्लाह ना करे कि वो दिन कभी आए। और तुम्हें क्या लगता है अपनी बीवी और बेटी के सामने तुम्हारा बाप होने का इकरार कर लेगा? नहीं एमन, नहीं। अगर वो तुम्हें अपनी बेटियां तस्लीम कर लेते तो हमें छोड़कर जाते ही क्यों? बेटा, वक्त ने जिस जख्म पे मरहम रख दिया है, उस जख्म को कुरेदने से अब कुछ हासिल नहीं होगा। उनका होना ना होना हमारे लिए बराबर है, वैसे भी तो हम उनके बगैर ही जी रहे थे। आप ठीक कह रहे हैं, उनका होना ना होना हमारे लिए बराबर, और वैसे भी मेरे और माहीन के लिए तो हमारी माँ और बाप दोनों आप हैं। वो मामा नाराज हो रही थी, तो तुम अभी कह रहा जाओ, बोलो तो मैं लेने आ जाऊं तुम्हें? आज चलो ठीक है, हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। ओके ओके। अकबर, अकबर, अकबर खाना लगा दो। वो अकबर को ताईजान ने कुछ लेने के लिए भेजा है। एमन नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं खाना निकाल देती हूँ। नहीं नहीं, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ले लेता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं कर देती हूँ। वैसे आपने बेवजह तकलीफ की। नहीं, तकलीफ की क्या बात, मुझे अच्छा लगता है।